हम लोग ने इससे पहले क्लास में अध्ययन किया है आरबीसी के विषय में। तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? जो लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं उसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही उसका रंग लाल होता है। जैसे अब आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, कि यार हीमोग्लोबिन किस प्रकार से फंक्शन करता है। जैसे जो हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्या वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो है केवल हमारे नाक से फेफड़े तक जाता है, फेफड़े से फिर बाहर हो जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल्स तक, हमारी हर एक कोशिका तक, ऊतक तक, अंगों तक पहुंचता है। कौन ले जाता, किस प्रकार से ले जाता है, इसको आप देखें। जैसे जो ये वातावरणीय ऑक्सीजन, ये श्वसन क्रिया में ये कहाँ पर आती है? लंग्स में। लंग्स मीन्स फेफड़े में आकर के पहुंचती है। और यहां पर क्या है, चूंकि उसका प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, कि यहां पर हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन जो यह लंग पे आया है, इस ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं, ऊतकों और कोशिकांगों में पहुंच करके वहां पर, चूंकि कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, तो ये क्या करता है, आता है कहां पर? ऊतक में आता है, कोशिका में आता है, कोशिकांग में आता है। तो ऊतकों में आता है जब, तो यहां पर ये ऊतकों में ये ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तथा इस कोशिकाओं के जैविक क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन संयोग करके अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आकर के इस लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया द्वारा पुनः वातावरण में वापस हो जाते हैं, तथा पुनः ये हीमोग्लोबिन आई हुई ऑक्सीजन से संपर्क करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंदर परिवहन करने का कार्य करता है। अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? कोई वस्तु सजीव है,
कैसे आप निर्धारित करेंगे इस चीज को? जैसे मान लीजिए एक मेज है, तो आप कहेंगे कि वो चलती है, अरे भाई इसको जो है चोट पहुंचाए, इसको दर्द का एहसास हुआ नहीं हुआ। अगर किसी जंतु को हम इस प्रकार से उसको चोट पहुंचाते हैं, दर्द का एहसास होता है कि नहीं होता? दर्द का एहसास होगा। और दूसरी चीज, क्या ये जिस क्लास में ये कुर्सियां लगी हैं, ये मेज है, एट है, क्या भी सांस लेते हैं? नहीं सांस लेते हैं। क्या ये चल रहे हैं? नहीं चल रहे। तो इस तरह से जो सजीवों में है वो दर्द का एहसास होता है, वो सांस लेते हैं, चलते हैं, भोजन करते हैं, आज प्रोसेस अगर हो रही है तो यही जो है सजीव के मापदंड, यानी कि सजीव के यानी किसी वंश के सजीव होने के मापदंड है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह सजीव है। फिर अगला प्रश्न आपके आता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए कुछ प्रक्रम हैं, जिनको जैसे क्या पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि, ये जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। फिर ऐसे इसी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री को कहां से प्राप्त करते हैं, या वो कच्ची सामग्री कौन कौन सी है जिसको पौधे प्राप्त करते हैं? तो इसमें देखें कौन कौन से हैं जिनको के पौधे प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से? वातावरण से, रंध्रों की सहायता से प्राप्त करते हैं। जो हरे पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है H2O, जिसको आप जल कहते हैं, कि जल कहां से प्राप्त करते हैं? पौधे जल को अपने जड़ द्वारा मृदा से अवशोषित करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगला है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश है वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह जो कच्ची सामग्री है, जैसे हमने बताया वातावरण से, जड़ से, और फिर कहां से? सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद एक प्रश्न और आता है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? देखें, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावी ढंग से रखने के लिए
ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित अलग अलग रखना आवश्यक। शरीर में ब्लड की रक्त की सप्लाई को प्रभावी रखने के लिए ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित को अलग अलग रखना आवश्यक है। एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसमें ये तंत्र उस जंतुओं के लिए लाभदायक है और इसकी ऊर्जा आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता है और स्तनधारियों पक्षियों में अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन को निरंतर सप्लाई करना आवश्यक है, ठीक ना। तो फिर उसके बाद फिर आता है कि पादपों में जल एवं खनिज दोनों का अवशोषण किस प्रकार से होता है। पादपों में जल एवं खनिज दोनों का अवशोषण, पादपों में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में क्या है। देखिए, जो खनिज है वो जल में घुले रहते हैं और जो जड़ की कोशिकाएं हैं वो जड़ की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं और ये जो केशीय वाटर है, कैपिलरी वाटर है, उसी कैपिलरी वाटर को ही ये पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे जल को ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होता है जैसे आप कहते हैं एक प्रेशर प्रसरण दाब जैसे होता है, तो वहाँ पर जो है इसके कारण जो है ये जल में घुला हुआ ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे जल है और वो जो है खनिज है, जहाँ पर सांद्रता अधिक है एक तरफ सांद्रता अधिक है, एक की सांद्रता कम है, तो यहाँ पर जो है जैसे सांद्रता अधिक है तो सांद्रता अधिक जो है कम सांद्रता की तरफ जो है उसका जो है स्थानांतरण होता है। तो इस तरह से जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती है तो ये रुक जाता है, लेकिन आगे कोशिका जो है उस कोशिका में भी जल है। तो इस तरह से ये जल जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाती रहती है, ट्रांसफर होता रहता है, और जब इस तरह से जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाती है तो उसी जल के साथ ही जो उसमें घुला हुआ खनिज है वो भी आगे की तरफ बढ़ता जाता है। फिर आगे अगला आता है प्रश्न आपसे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, क्या है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में क्या क्या जरूरी है। देखें इसमें स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां लिए
आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, जैसे क्लोरोफिल, जो अभी हमने आपको बताया कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, यह आवश्यक परिस्थितियां हैं कि जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन को सह उत्पाद के रूप में बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से जो आवश्यक परिस्थितियां हैं ये निम्नलिखित हैं कि इनका होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण या स्व पोषण की क्रिया करते हैं। इसी के साथ आज का जो ये आपका प्रश्न है यहीं तक, आगे कल होगा। आपको नोट्स भेजा जा रहा है जिसको आप लोग बराबर हल करेंगे और कॉपी में बनाएंगे, आपकी जो है समीक्षा भी की जाएगी, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सरकार कराने जा रही है, आप उसकी तैयारी अवश्य करें। धन्यवाद।